जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कभी ना कभी, क्या होगा यदि हम एक नॉर्मल मोबाइल को फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे? कहीं मोबाइल खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, कहीं बैटरी जल तो नहीं जाएगी, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 5 वाट की, मेरे पास ये 10 और D2 है, ये 5 वाट की चार्जर है, इसके साथ में आया था, ये 5 वाट की चार्जिंग के साथ चार्ज होता है मोबाइल, बट मेरे पास यहाँ पर 10 वाट का भी चार्जर है, 18 वाट का चार्जर है, क्या होगा यदि मैं इस मोबाइल को उन चार्जर से चार्ज करूंगा, जबकि ये मोबाइल तो उस उतनी चार्जिंग को सपोर्ट ही नहीं करता है। अब जब मोबाइल दोस्तों चार्जिंग को सपोर्ट ही नहीं करता है, और यदि हम फास्ट चार्जर से मोबाइल को चार्ज करेंगे, तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि मोबाइल में कोई डिफेक्ट आ जाए। तो यदि आपके मन में भी ये डाउट है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी भी नॉर्मल मोबाइल को फास्ट चार्जर के साथ साथ चार्ज करते हैं, तो जो फास्ट चार्जर है वो नॉर्मल चार्जर की ही तरह काम करता है। मतलब मेरे पास यहाँ जो मोबाइल है 10 और D2, यदि मैं इसे 18 वाट के चार्जर के साथ चार्ज भी करता हूँ, तो दोस्तों ये मोबाइल जो है ये उतना ही समय लेगा जितना कि इसके ये 5 वाट के चार्जर के साथ समय लेता है। मतलब दोस्तों, ये 18 वाट का चार्जर भी इस मोबाइल के लिए 5 वाट का चार्जर की ही तरह काम करने वाला है, तो इसीलिए इस मोबाइल में कोई भी डिफेक्ट नहीं होने वाला है। मेरे मन में भी ये डाउट था कि कहीं मैं ज्यादा वाट के चार्जर से मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ, मोबाइल खराब तो नहीं हो जाएगा। फिर मैंने चार्ज किया, तो दोस्तों सेम टू सेम उतना ही समय लिया, 5 मिनट कम लिया, लेकिन उतना ही समय लिया जितना ये अपने खुद के चार्जर से, मतलब 5 वाट के चार्जर से ये मोबाइल समय लेता है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी नॉर्मल मोबाइल को फास्ट चार्जर के साथ चार्ज करते हैं, तो फास्ट चार्जर से कोई भी डैमेज नहीं होगा आपके मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल्स में अक्सर क्या है, सिक्योरिटी लेयर्स पाई जाती हैं, और आजकल जितने भी नए मोबाइल बनाए जा रहे हैं, उन सभी में तो ये फीचर होता ही है कि उसमें सिक्योरिटी लेयर जो है वो बनाई जाती है, कि यदि आप गलती से किसी फास्ट चार्जर से मोबाइल को चार्ज भी करते हैं, तो मोबाइल में दोस्तों उतना ही करंट जाएगा जितना कि मोबाइल एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये 5 वाट जितना यदि ये चार्ज करंट को अपने अंदर ले सकता है, तो चाहे आप 18 वाट के चार्जर से चार्ज करो, चाहे आप 58 वाट के चार्जर से चार्ज करो, इसके लिए वो चार्जर रहेगा 5 वाट का चार्जर ही। मतलब ये उतना ही करंट एक्सेप्ट करेगा जितना कि ये करंट एक्सेप्ट कर सकता है। तो कोई भी मोबाइल हो, वो उतना ही करंट एक्सेप्ट करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। यहाँ मेरा मोबाइल 5 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप 18 वाट के चार्जर चार्ज करेंगे, तो वो दोस्तों 18 वाट का चार्जर भी 5 वाट की चार्जर की तरह ही काम करेगा। सेम टू सेम दोस्तों, इसका अपोजिट मान लीजिए, आप यदि आप 5 वाट के चार्जर से किसी फास्ट चार्जिंग मोबाइल को चार्ज करते हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पोको M2 है जिसमें 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है, और यदि मैं दोस्तों इसे 5 वाट के चार्जर से चार्ज करता हूँ, तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, मोबाइल तो खराब होगा नहीं एक्चुअली, और यहाँ पर तो खराब होने का चांस ही नहीं बनता, वैसे भी हम बहुत कम करंट इसको दे रहे हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, मोबाइल थोड़ा स्लो चार्ज होता है, और जितना करंट वो जो मोबाइल है वो एक्सेप्ट कर सकता है 18 वाट की चार्जिंग तक का, 5 वाट के चार्जर से जितना एज मच एज पॉसिबल जितना करंट वो अपने अंदर ले सकता है, उतना ज़्यादा कैपेसिटी के साथ मोबाइल चार्ज होने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा करंट चार्जर से मोबाइल अपने अंदर खींचता है। लेकिन अब वो चार्जर ही 5 वाट का है, तो 5 वाट की जो फुल पावर है वो दोस्तों वो मोबाइल लेता है, लेकिन थोड़ा सा लेट मोबाइल चार्ज होता है, क्योंकि 5 वाट के चार्जर में और 18 वाट के चार्जर में काफी ज्यादा दोस्तों डिफरेंस होता है। अब आप सोच रहे हो दोस्तों कि फिर तो ऐसे कीपैड मोबाइल को भी फास्ट चार्जर से हम चार्ज कर सकते हैं, मे भी थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो जाए, तो दोस्तों जल्दी तो चार्ज कोई भी मोबाइल नहीं होगा, चाहे नॉर्मल स्मार्टफोन हो, चाहे आपका कीपैड मोबाइल हो, जितनी देर में वो चार्ज उसके चार्जर के साथ होता है, उतनी देर में वो चार्ज होगा। दोस्तों क्या यहाँ पर फास्ट चार्जर से नॉर्मली मोबाइल को चार्ज करना सही रहेगा? तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो मोबाइल के साथ चार्जर आता है, या जितने मोबाइल की कैपेसिटी उतने ही मोबाइल उतने ही वाट के चार्जर से उस मोबाइल को आप चार्ज कीजिए, वही उसके लिए सही रहता है। बाकी यदि आप फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे, तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने वाला है मोबाइल को, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का लक खराब रहता है, बाई चांस यदि कोई सिक्योरिटी लेयर काम नहीं किया या काम करना बंद कर दिया, तो आपके मोबाइल में दोस्तों डैमेज हो भी सकता है यहाँ पर। कभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि 5 वाट का मेरे पास यहाँ पर चार्जर वाला मोबाइल है, यदि मैं उसे 18 वाट के चार्जर सब चार्ज करूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा, और एक्चुअली मैंने करके भी देखा, 5 वाट के चार्जर से भी चार्ज किया, 18 वाट के चार्जर से भी चार्ज किया, सेम टाइम लगा, बस 18 वाट के चार्जर से 10-15 मिनट कम लगा। दोस्तों मोबाइल में और कोई डिफेक्ट नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी दोस्तों स्टिल आपको क्या है, नॉर्मल मोबाइल को ज्यादा बहुत ज्यादा वाट के चार्जर से भी चार्ज नहीं करना है, लाइक 68 वाट है या 120 वाट के चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं, तो इस टाइप के चार्जर से आप नॉर्मल मोबाइल
मालूम, कभी भी चार्ज मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास 18 वाट और 33 वाट का ही चार्जर अवेलेबल था। 33 वाट के चार्जर से भी मैंने चार्ज किया मोबाइल को, लेकिन कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मोबाइल में सिक्योरिटी लेयर्स है, तो वो जो उतनी पावर एक्सेप्ट करता है जितनी वो एक्चुअली कर सकता है, फिर मैं उसे 33 वाट के चार्जर से ही चार्ज क्यों ना करूँ, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, टाइम सेम टू सेम लगता है। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए हो गई क्या होता है जब हम एक नॉर्मल मोबाइल को फास्ट चार्जर के साथ चार्ज करते हैं। यदि आपका दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देते हैं। हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने के लिए। बाकी दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही एजुकेशनल या नॉलेजेबल वीडियोस आप और देखना चाहें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आपको दोस्तों किसी भी टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो उसे आप मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।